हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना फैसल। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आवाम से पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबीहा फातिमा। अच्छा अबीहा, आज आप किस लिए आई हुई हैं इधर? मैं यहाँ 14 अगस्त की शॉपिंग करने। 14 अगस्त की? अच्छा 14 अगस्त को क्या हुआ था जो आप आई हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान, अच्छा, तो इस सिलसिले में काफ़ी सारे बच्चे और बड़े जो है ना पटाखे बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, तो आपके नज़दीक कैसा है बजाना, सही है? नहीं नहीं सही। तो वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाहिल। आपका? अब्दुल हसीब। हानिया। हानिया, अच्छा आप तीनों बहन भाई हैं। अच्छा क्या करने आए हैं आज आप यहाँ पे? 14 अगस्त के ड्रेस लेने आए। 14 अगस्त के लिए? अच्छा तो क्या हुआ था 14 अगस्त के लिए, क्यों आए हैं, क्या हुआ था आज? मैम आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा तो आप लोगों को मिली नगमा आता है कोई? चले तीनों आप दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी गुड। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अबीरा। अबीरा, अच्छा तो अबीरा आज आप यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं, आपको पता है आज क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। वेरी गुड। अच्छा चलिए आप मुझे ये बताओ आपको मिली नगमा आता है? है? मिली नगमा आता है आपको, सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। आज आप 14 अगस्त के हवाले से इसकी तैयारी के लिए बाहर निकली हुई हैं जी। आपको पाकिस्तान के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताएं कि हमारे पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, इब्राहिम ये बताएं कि यहाँ आज आप क्या करने आए हैं? मैं 14 अगस्त की तैयारी करने आया हूँ। 14 अगस्त की तैयारी, अच्छा तो कर ली तैयारी आपने? जी कर ली, मैंने चीज़ें खरीदी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए आप अपने मुल्क से बहुत प्यार करें। माशाल्लाह दो बच्चे हैं आपके, इनको आपने सही बताया हुआ है कि आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इस सिलसिले में आप इन्हें लेकर आई हैं, तो आप ये बताएं कि आपको आपसे मैं एक आध सवाल पूछूंगी कि पाकिस्तान का तस्वीर किसने पेश किया? अल्लामा इकबाल ने। अच्छा और हमारा कौमी तराना है वो किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी ने। ओके गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निमर इमरान है। निमरा, निमरा आज आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? मैं ये 14 अगस्त की शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा 14 अगस्त की शॉपिंग, तो आपको पता है 14 अगस्त पे क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया था। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो परचम है उस पे चांद और सितारा बना हुआ है, तो इसका क्या ये किस चीज़ की अलामत है? चांद जो है वो हलाली की अलामत है और जो सितारा है वो रोशनी की। रोशनी की, गुड। अच्छा चले अभी आप ये बताएं कि जो हमारा कौमी तराना है पाकिस्तान का कौमी तराना, ये किसने लिखा था?
हफीज जलंधरी ने। वेरी गुड। तो अभी आप पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? यही कि हम सबको खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो हमें अपने आप में फ़ख्र महसूस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हाजी सना। हाजी सना, आज क्या दिन है आपको पता है? हाँ जी, क्यों नहीं, इस दिन का किसको भुलेखा, 14 अगस्त 1947। अच्छा, तो इस मौके पे आप 14 अगस्त के लिए क्या कोई मिली नगमा या कुछ कहना चाहेंगे? मैं को भी गाना सुना। अच्छा, जो आप पाक साल जमीन शाद बाद चाहें कोई बात करना चाहें। मैं नौजवानों को ये पैगाम देती हूँ कि अपने मुल्क की हफाजत करें, हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह हमारे मुल्क को नज़रबाज से बचाए, अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह इन नौजवानों को तफीक दे अपने मुल्क की सलामती के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? वलीजा। वलीजा, तो आज किस सिलसिले में आप लोग इधर आए हुए हैं? 14 अगस्त आ रही है तो उसी की तैयारियों के लिए। अच्छा, तो हो गई आपकी तैयारियाँ शॉपिंग के लिए? अच्छा, मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चंस करती हूँ पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है? आपने मुझे बताना है। तो एक तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ये जो कौमी तराना है ये किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी ने। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप स्कूल के फंक्शन के लिए आई हैं, तो कौन सा स्कूल है? सदीक पब्लिक स्कूल। सदीक पब्लिक स्कूल। नहीं, गाना वो बोला ना, हम जिंदा कौम है, वो ना जिंदा कौम है, ये वाला तराना है ना। अच्छा, हम आप सुना दें। मैं सुनाऊं? अच्छा, जब बच्चों का काम है। एक हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान। नारा लगाओ जी। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अलहा है। और आप? हुदा फातिमा। हुदा फातिमा, बहन भाई हैं आप लोग। अच्छा, आज किस लिए इधर आए हुए हैं आप लोग? हम लोग 14 अगस्त की शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था 14 अगस्त को बताएं? हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। वेरी गुड, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा चलें, अभी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल ने। पाकिस्तान के लिए आज क्या कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनाएंगे क्या? दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां, इन कैसी वा जाना कहाँ, पढ़ते रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, तो आयशा आज आप यहाँ पे किस सिलसिले में आई हुई हैं? बच्चों को हम जो है वो 14 अगस्त के सिलसिले में फ्लैग्स इन्होंने कहा लेने हैं, विस्लिंग लेनी है, तो उस सिलसिले में हम आए हुए हैं। अच्छा, तो बस यही पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान के झंडे पे चांद और सितारा है, तो इसका क्या मतलब है? चांद जैसे कि हिलाल और सितारा रोशनी की अलामत है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप पाकिस्तान के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, नौजवानों का ये है कि हमारी जो यूथ है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग भी है, और बस ये है कि मायूस ना हुआ करें और अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपने देखा हमारे अवाम कितनी पुरजोश है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स कितने जोश व जज्बे से 14 अगस्त मना रहे हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश करें, और इसी के साथ ही हमारी दुआ है कि अल्लाह मियां हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ ही अपनी होस्ट हिना फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।